इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे YouTube वीडियोस को आपका स्मार्टफोन का बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है एंड सर्च करना है ब्रेव ब्राउज़र एंड इस ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेना है। ओके, नाउ इट इज़ इंस्टॉल्ड, लेट्स ओपन इट। अभी यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। देन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में सेट करने के लिए बोल रहा है, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इसका प्राइवेसी प्रोटेक्शन आप ऑन करते हो तो आपको जो वेबसाइट आप ब्राउज करोगे उसके अंदर आपको एड्स देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एड्स फ्री कर देगा ये। एंड उसके बाद यहाँ पे सेव डेटा, बैटरी, ये सब बहुत सारा फीचर्स है इसमें, तो इसको फिलहाल हम कट कर देते हैं। एंड यहाँ पे आके आपको सबसे पहले ये नीचे यहाँ पे टच करना है एंड सेटिंग्स में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो बैकग्राउंड वीडियो प्लेबैक ऑप्शन है, ठीक है, इसको आपको ऑन कर देना है। एंड देन आपको रीलॉन्च करना है, ये अपने आप रीलॉन्च हो जाएगा। अभी आपको बस यूट्यूब सर्च करना है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सिलेक्ट करने को, तो हम गूगल ही रखते हैं क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर दिखा रहा है। अभी यहाँ पे सर्च करते हैं youtube.com। अभी यूट्यूब ओपन हो गया, यहाँ पे अपना चैनल सर्च कर लेते हैं। ये अपना चैनल आ गया एंड चैनल में जाके कोई भी एक वीडियो प्ले कर देते हैं। अब देख सकते हो ये वीडियो प्ले हो रहा है। अभी हम होम बटन में प्रेस करके इसको बैक कर देते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। अगर आप कोई प्लेलिस्ट प्ले करते हो तो आपको आप ये बटन या फिर ये बटन प्रेस करके आप आगे या फिर पीछे कर सकते हो एंड यहाँ पर आप पॉज भी कर सकते हो, इसको प्ले भी कर सकते हो। तो अगर ये ट्रिक्स आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि नेक्स्ट मैं जब ऐसे यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिले।